तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। सो इस वीडियो में गाइस बेसिकली हम कवर करने वाले हमारे गेम पे आने वाले लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी वाले इवेंट से, मतलब गाइस एक अंबानी वाला इवेंट हमारे गेम पे आने वाला है उसके बारे में गाइस हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ गाइस, जो बंदे हीरोइक जाना चाहते हैं, जो हीरोइक अभी तक नहीं जा पाते, वैसे तो यार लगता है मेरे को सभी लोग जा पाते होंगे, बट जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए गाइस एक गुड न्यूज है। अब यार वो गुड न्यूज क्या है ये आप लोग को यार वीडियो के आगे पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, जो गाइस आजकल यूट्यूबर्स लोग कर रहे, ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स जिससे गाइस बहुत सारे लोग की आईडी स्कैम हो रही है, ठीक है। तो और वो कैसे कर रहे हैं सब चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस देख लेना ताकि आपकी आईडी स्कैम ना हो, ठीक है। तो मेरी गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप लोगों को जो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो धड़ाधड़ आते रहे, ठीक है। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हमारा जो पहला अपडेट है ना, वो गाइस हमारे गेम पे आने वाले बिल्कुल न्यू इवोल्यूशन गन से, ठीक है। तो गाइस काफी सब्सक्राइबर्स लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई हमारा जो नेक्स्ट इवोल्यूशन गन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम पे जो यार नेक्स्ट इवोल्यूशन गन होगा वो गाइस हमारा और कोई नहीं, हमारे जो फार्मर्स गन है उसी की गाइस स्किन होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को पता है फार्मर्स की गाइस बहुत टाइम से कुछ तगड़ी गन की स्किन नहीं आई है, ठीक है। तो फाइनली गाइस गरीना वालों ने सोचा ये फार्मर्स तो यार हम लोग यार फार्मर्स से तो हम कुछ रुपया ही नहीं कमा पा रहे, तो गरीना वाले गाइस जिससे रुपया नहीं कमा पाते तो उसको यार कुछ खतरनाक चीज़ में उसको लुक वुक देते, डिज़ाइन देते और उसको थोड़ा सा खतरनाक बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि यार सारी ऑडियंस लोग यार इसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी क्या होगा कि फार्मर्स थोड़ा सा गाइस तगड़ा हो जाएगा और मतलब दिखने में तगड़ा हो जाएगा और थोड़ा तगड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। फिर सारे बंदे फार्मर्स को निकालेंगे जिससे गाइस गरीना फ्री फायर की कमाई होगी। तो ये गाइजर गरीना की स्ट्रेटजी रहती है, गरीना गाइजर ये सब चीजें गाइजर लाते रहता है, ठीक है। तो गाइजर खैर छोड़ो उस बात को, हम बात करते हैं गाइजर हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइजर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है जो बंदे गाइजर हीरोइक अभी तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। वैसे तो यार मुझे लगता होगा यार अभी तक तो यार सभी हीरोइक पहुंच जाते होंगे यार, मतलब हीरोइक जाना ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब यार जो बंदे बेचारे हीरोइक नहीं पहुंच पाते, जो थोड़े से यार कम अच्छा खेलते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए गाइजर गरीना फ्री फायर एक नया अपडेट ला रहा है, ठीक है। अब वो अपडेट क्या है, ठीक है, आप लोग गाइजर पता होगा जब भी गाइज आप लोग डायमंड 4 या फिर ऐसे ऊपर लेवल पर पहुंच जाते हो, मतलब ऊपर लीग में पहुंच जाते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है जब यार आप लोग यार गेम पर जाते हो और अगर आप लोग थोड़ा जल्दी मर जाते हो तो आप लोग का बहुत ही तगड़ा माइनस होता है, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक माइनस होता है कि आप लोगों को 2 से 3 गेम फिर यार खेलने पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यार आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों को चप्पलें भी पड़ती है मम्मी की, मम्मी बोलती है मत कर बेटा मत खेल इतना, ठीक है। ये सब सीन गाइस आप लोगों के साथ होते होंगे, ठीक है। तो गाइस इसी को देखते हुए गरीना फ्री फायर वालों ने अभी गाइस क्या किया है, गरीना फ्री फायर वालों ने सोचा है कि गाइस आप लोग का जो माइनस होता था, मतलब आपको पता है डायमंड 4 में बहुत ज्यादा माइनस होता था, तो उसको गाइस थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, अब उतना ज्यादा माइनस नहीं होगा जैसे गाइस पहले लेवल पर माइनस होता था, मतलब अगर आप लोग यार मर गए तो भाई 40 माइनस ऐसे करके डायरेक्ट माइनस हो जाता था, तो उस और गाइस प्लस करने पर हालत खराब होती थी, मतलब यार 2 से 3 गेम लग जाते थे, ठीक है। तो गरीना फ्री फायर ने सोचा है कि अभी उसका जो माइनस है उसको गाइस थोड़ा सा कम कर देंगे, जिससे क्या होगा आप लोग थोड़ा हीरोइक आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका माइनस कम होगा तो आपको और कम गेम खेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीन गाइस ये है। गाइस जो दूसरा अपडेट है ना वो भी गाइस हीरोइक वालों के लिए ओपी है, मतलब यार जो बंदे हीरोइक जाना चाहते हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है। तो गाइस आपको पता ही होगा जब गाइस आप लोग नीचे रैंक में होते हो, जैसे गाइस आप लोग का सिल्वर होता है गोल्ड होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी रैंक में कुछ पॉइंट्स करते हो तो आप लोग का बहुत ज्यादा प्लस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे भी आप ऊपर ऊपर पहुंचते हो डायमंड्स में, तो आप लोग का 7, 8, 10, 15 ऐसे गाइस प्लस होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक है, जिससे गाइस आपको हीरोइक पहुंचने में बहुत हालत खराब होती है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए गरीना फ्री फायर ने क्या किया है, ये गरीना फ्री फायर एक अपडेट लाने वाला है जिसमें गाइस होगा क्या कि अब आप लोग का जो हीरोइक जब आप लोग का डायमंड 4 ऐसे में पहुंचोगे तो आप लोग का जो प्लस जो धीरे धीरे होता था वो गाइस थोड़ा तेजी से होने लगेगा, मतलब आपको पता है जैसे आप लोग यार एंड में गाइस कितना मतलब धीरे धीरे प्लस होता था, चाहे आप बोया भी मार लो तो कम ही प्लस होता था, बट गाइस अब क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स प्लस होने वाले हैं इसमें, ठीक है, मतलब अब प्लस पॉइंट्स ज्यादा होंगे। अब गरीना यार ऐसा क्यों कर रहा है, तुम लोग ये सोच रहे हो इतना आसान क्यों बना रहा है, तो गरीना गाइस इतना आसान इसलिए बना रहा है, अब इससे सीन क्या होगा ना, जो बंदे डायमंड वाले प्लेयर्स थे जो गाइस रस वस करते थे, ठीक है, तो वो भी गाइस अब हीरोइक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता है यार मतलब आसानी से प्लस होगा, तो गाइस आसान हो गया हीरोइक जाने में, ठीक है। अब यार ये जो डायमंड के प्लेयर होते हैं, आपको पता है डायमंड ये सब के प्लेयर तगड़े होते हैं, जो डायमंड 2, डायमंड 1 ये सब में रहते हैं, क्योंकि ये रसर्स होते हैं, ठीक है। अगर रसर्स गाइस हीरोइक के उसमें पहुंच गए तो जो हीरोइक के जो बेचारे कैंपर्स होंगे तो उनके लिए बहुत हालत खराब होगी, ठीक है, क्योंकि जो हीरोइक वाले होते हैं वो गाइस बहुत ज़्यादा कैंपिंग करते हैं, तो वो इतना जल्दी मार वार नहीं पाते जितना डायमंड वालों की प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गाइस यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी उन लोग को भी, ठीक है। गाइस बात करते हैं गाइस हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में।
बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम पे आने वाले फ्री के M4A1 की स्किन से। तो गाइस यार मैंने आप लोगों को कल परसों बताया था कि हम लोगों का जो CS रैंक का जो रिवॉर्ड है, जो गाइस यार आप लोगों को पता है हर बार कोई गोल्ड की स्किन मिलती है, मतलब कोई गोल्ड कलर की स्किन मिलती है गन की, तो इस बार गाइस यार मैंने आपको बताया था M4A1 मिलने वाली है, ठीक है। तो M4A1 का जो प्रॉपर लुक है कैसा होने वाला है तो आप सामने देख सकते हो, ऐसा गाइस यार कुछ लुक होगा इसका सेम टू सेम, ठीक है, जो आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है ये वाली स्किन CS रैंक के रिवॉर्ड में, जो गाइस यार आप लोगों की OB30 अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो गाइस यार ये वाली जो M4A1 की स्किन है इसका लुक आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बेसिकली आप लोगों को ये फ्री पे मिलने वाला है, ठीक है गाइस। बात करते हैं गाइस हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम पे आने वाले लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी वाले इवेंट से, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई अंबानी वाला इवेंट कौन सा आने वाला है यार, मतलब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा। तो गाइस यार सामने आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाइस यार आप लोगों को 4 बंडल्स और नीचे में 2 बैकपैक्स और 2 रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो गाइस यार रिवॉर्ड्स है ये गाइस यार आप लोग एक अंबानी वाले इवेंट में आने वाली है, ठीक है। अब अंबानी वाले इवेंट मतलब यार जिसमें आप लोग के बहुत सारे डायमंड्स लगेंगे, जो गाइस ओनली अंबानी के परिवार के लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। जो गरीब लोग हैं हम जैसे गरीब तो यार हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग का ये इवेंट कैसा लगा मुझे गाइस कमेंट बताना। बेसिकली गाइस काफी डायमंड्स उड़ाने वाला ये इवेंट होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस अपडेट तो है बट गाइस एक स्कैम के बारे में। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि भाई कौन सा स्कैम, आजकल गाइस मैं आप लोग को बता दूं कुछ यूट्यूबर्स गाइस बहुत सारे हैं जो गाइस स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अब यार उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब वो गाइस क्या स्कैम कर रहे हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो गाइस यार आप लोगों को पता होगा हमारे गेम पे गाइस यार एक डायमंड होता है, ठीक है, जिसके लिए गाइस यार सब लोग मरते हैं, सब लोग को डायमंड चाहिए, ठीक है। तो उसी को देखते हुए गाइस यार यूट्यूबर लोग दिमाग लगाते हैं कि डायमंड से रिलेटेड कुछ स्कैम करते हैं। तो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर लोग गाइस यार कर क्या रहे हैं मैं आपको बता दूं, आजकल यूट्यूबर लोग ने बहुत सारे लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। उस वेबसाइट में गाइस बहुत सारे लोग मतलब यार आप लोग को जो डायमंड्स है वो दिखा रहे, और गाइस यार कह रहे कि इस वेबसाइट में रजिस्टर करो, वेबसाइट में आप रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर करने के बाद दिखा रहे हैं मतलब वो अपनी आईडी पे एडिट वेडिट करके दिखा रहे हैं उनके डायमंड्स आगे ऐसे करके स्टेप से, और जो बच्चे लोग हैं वो सोच रहे हैं वो रियल चीज़ है, ठीक है। उन लोग सारे प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद उनकी जो आईडी वो स्कैम हो जा रही है, और एट द एंड गाइस यार उनको क्या मिल रहा है, स्कैम, ठीक है। तो पहला स्कैम तो गाइस यार ये चल रहा है, अब दूसरा एक और स्कैम बहुत खतरनाक स्कैम चल रहा है, ठीक है। इसको देखकर तो गाइस यार मैं चौंक गया था, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो ये जो मतलब यार जो स्कैम कर रहे हैं इनने गाइस यार एक ऐप बनाया है जिसमें गाइस यार आप लोग ना मतलब आप लोगों को लगेगा कि फ्री फायर की तरह, मतलब एक जहां पर आप फ्री फायर की सेटिंग्स में जाते हो तो उस एरिया का गाइस यार कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को बोला जाएगा इस लिंक से जाओ, इस घर पर ये सेटिंग्स करो गेम के, आप लोगों को लगेगा कि आप गेम के अंदर कर रहे हो, ठीक है, वहां से लिंक से ऐसे जाओगे, ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है। वैसे मैं तो उल्लू नहीं बनता हूं, मैं तो बड़ा हो चुका हूं, ठीक है, शायद बच्चे लोग थोड़ा सा शायद उल्लू बन जाए क्योंकि गाइस यार इसमें स्कैम पे बच्चे लोग ही ज़्यादा फंस रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग सेटिंग कुछ अनसेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उन लोगों को सोच रहे हैं डायमंड्स मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन गाइस ऐसा कुछ डायमंड्स का सीन नहीं होता। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये आजकल बहुत चल रहा है, और यार इससे इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है, इन लोगों को आपकी आईडी पासवर्ड मिल जा रही है, आपकी आईडी स्कैम हो जा रही है, फिर वो आईडी को लोग बेच दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है आईडी कितनी महंगी बिकती है आजकल फ्री फायर में, ठीक है। तो यार आईडी लोग मस्त बेच रहे हैं 10-15 हज़ार ऐसे करके कमा रहे, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल बंडल बहुत सारी आईडी होती है यार, जिसके पास अच्छी अच्छी आईडी होती है, अगर उनकी स्कैम हो गई तो आपको पता है आईडी गाइस फ्री फायर में अच्छी खासी बिकती है। तो सीन गाइस यार ये है, इसीलिए गाइस आप लोग ये सब मत करो, जो भी गाइस अगर आप लोगों को दिखे तो आप लोग समझो वो स्कैम है, मतलब ऐसा कुछ लिंक विंक में मत जाओ। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है इस लिंक में जाओ ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ऐसा गाइस नहीं हो सकता कि भाई आप लोगों को इस लिंक में जाके वो मिल जाएगा, ठीक है। ये गरीना जो लुटेरा है आपको पता है, तो आप लोगों को यार पैसे देने ही पड़ेंगे, फ्री में गाइस गरीना नहीं दे सकता, इतना बड़ा दिल नहीं है गरीना का, ठीक है। और जो यूट्यूबर अगर बोलेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा तो आप लोग समझ लेना वो फेक है, और ये बहुत चल रहा है आजकल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है यार अभी बीच में किसी बड़े यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप भी दिलवाई थी एक वेबसाइट वालों ने, जिसमें मतलब यार GW मनीष को दिलाई थी स्पॉन्सर, आपको ये बात पता ही होगी, ठीक है। उसने स्पॉन्सर किया और यार स्पॉन्सर करने के बाद पता लगा कि वो जो वेबसाइट थी वो फेक थी और जो सारी ऑडियंस है उसका स्कैम हो गया था। तो ऐसा स्कैम हो रहा है आजकल, इसलिए गाइस बच के रहना, पहले मैं बता रहा हूँ आजकल ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे, कल कमेंट्स आए और एक आध बंदों के मेल भी आए थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।